सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज में मंगलवार को रीसेंट डेवलपमेंट इन मटेरियल साइंस विषय पर 2 दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार का उद्घाटन सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जेके लाल ने किया। इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार में देश विदेश के 8 प्रख्यात वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं और अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें डॉक्टर VP श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर CP गुप्ता, डॉक्टर सोएब अहमद अंसारी, डॉक्टर रवि प्रकाश त्रिपाठी, इम्तियाज हुसैन खान और आदित्य श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जेके लाल ने कहा, मेरा नाम प्रोफेसर जेके लाल, मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। आज का जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, ये वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार है, जो हमारे यहाँ के फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत कराया जा रहा है और वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शमशाद अहमद खान, जो इसके कन्वेनर हैं, उनके देख रेख में ये किया जा रहा है। और इसमें भारत के तो बहुत से विद्वान ही हैं, साथ साथ क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, सेमिनार कहें या वेबिनार कहें या ई कॉन्फ्रेंस कहें, आजकल क्योंकि COVID-19 की वजह से हम लोग रेगुलर सेमिनार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ने ये मुनासिब समझा कि इंटरनेशनल वेबिनार किया जाए। इसमें विदेश के भी 7-8 प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जो इसमें सहभागिता करेंगे और अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का टॉपिक मुख्य रूप से रीसेंट ट्रेंड्स इन मटेरियल साइंस, तो मुख्य रूप से ये भौतिकी विज्ञान का विषय है, लेकिन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पास लगभग कुल मिला के 17-18 रिसोर्स पर्सन हैं देश विदेश से, राजस्थान, पटना, दिल्ली, जामिया मिलिया, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका के 2-2 हैं, इस तरह से कुल मिला के 17 रिसोर्स पर्सन हैं। हम लोग ने 4 सेशन में इसको डिवाइड किया है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी एक्स हेड प्रोफेसर तिवारी यहाँ पे हमारे एक सेशन को चेयर करेंगे, एक जो भी वर्तमान हेड हैं प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, एक सेशन वो लीड करेंगे, चेयर करेंगे। इस तरह से चारों सेशन को हम लोग ने आज और कल 2 दिन में डिवाइड कर रखा है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी के, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। बहुत सी जो इसमें भ्रांतियाँ हैं, बहुत से इसमें जो अवधारणाएँ और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। आज के हमारे इसके की नोट स्पीकर मुख्य वक्ता प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन साहब थे, जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पहले हेड भी थे, उसके बाद वहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हुए, उसके बाद वो रॉयल खंड बरेली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और आजकल उनके पास तो बहुत से कार्य हैं, तो वो आज के कीनोट स्पीकर हैं। अभी उनका कार्यक्रम चल रहा था, तब तक आप लोग आ गए तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों से भी बात कर ली जाए।